अमित शाह का आज यूपी का दौरा है। हरदोई, सुल्तानपुर, भदोई, वाराणसी के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। इसके साथ ही हरदोई पहुंचेगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। हरदोई की सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा जाएगी। सुल्तानपुर में अमित शाह जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे। तो चुनाव से पहले अमित शाह का भी ये दौरा खास माना जा रहा है और अब सभी की निगाहें गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन पर टिकी हुई है, क्योंकि आज संबोधित करेंगे। हरदोई, सुल्तानपुर, भदोई, वाराणसी के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। चुनाव से पहले तमाम दिग्गज नेता लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार बीजेपी भी जनता के बीच जा रही है और अपनी पार्टी का बखान कर रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है। जन विश्वास यहां पर यात्रा भी बीजेपी ने निकाला है, जिसके जरिए वो लगातार जनता के बीच में बरकरार है। तो ऐसे में सभी पार्टियों ने यहां पर कमर कस ली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा करीब है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रह जाए और सत्ता में बरकरार रहने के लिए भी लगातार बीजेपी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आज गृहमंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास है। हरदोई की सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज ये यात्रा जाएगी और सुल्तानपुर में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी निगाहें सभी की जनसभा में को संबोधित करते हुए टिकी हुई है, क्योंकि हर बार जनसभा में अमित शाह कुछ अलग यहां पर बातें रखते हैं। चलिए, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक हरदोई से जुड़ चुके हैं। आलोक, किस तरह की तैयारियां है, गृहमंत्री अमित शाह का दौरा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि गृहमंत्री 11:40 पे यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लगभग 50,000 की भीड़ होगी। नितिन और नरेश अग्रवाल का यह प्रोग्राम पूरी तरीके से पटा पड़ा है GIC का ग्राउंड। और आपको बता दें कि माना जाता है कि अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री है, इनका स्वभाव थोड़ा सा इस तरह का है, ये अलग टाइप से अपनी बात को रखते हैं। इनका बड़े बड़े नेताओं का मानना है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। जाहिर सी बात है कि हरदोई में 2017 के चुनाव में ये सीट भाजपा हारी थी, हरदोई सदर, और नितिन अग्रवाल जीते थे समाजवादी पार्टी से। तो ऐसे में इनका अमित शाह जी का यहाँ आना और जनता को संबोधित करना अपने आप में एक बड़ा संदेश जरूर देगा यहाँ पर, और हरदोई की 8 विधानसभाओं को जिताने के लिए भरसक प्रयास ही जरूर करेंगे। ठीक, आप बने रहिएगा रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, आज गृहमंत्री अमित शाह का दौरा है, चुनाव से पहले कई मायनों में खास भी है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, रवि का दौरा हम करेंगे, हरदोई का दौरा कर लेते हैं। आलोक भी लगातार बने हुए हैं। आलोक, इसके अलावा कौन कौन से तमाम वो कार्यक्रम होंगे जिसमें गृहमंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं? देखिए, हरदोई में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभाओं में, लगभग सभी विधानसभाओं में जन विश्वास यात्रा जाएगी। और आपको बता दें कि रैली सिर्फ हरदोई में है, हरदोई की GIC ग्राउंड में रैली है, जिसका लगभग टाइम 1 से 1.5 घंटे या 1.25 घंटे की रैली है। जनसभा को संबोधित करेंगे, बाकी जगह जगह कहीं पुष्प अर्पित किए जाएंगे, कहीं पे सभा, छोटी सी सभा है, या हरपालपुर में रुकने का भी इरादा है, उसमें केशव मौर्य साहब है। और इसी तरीके से लगभग 2:10 पे यहाँ पे रैली खत्म होगी, उसके बाद ही सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे। आलोक, लगातार हम भी देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार जनता के बीच जा रही है और जिस तरीके से विश्वास यात्रा निकाली जा रही है, जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी के हक में वोट करने की यहाँ पर अपील भी की जा रही है, क्या लगता है कि विधानसभा में किस तरह का तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्शन, तमाम पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है? देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर बात बताएं, जो हकीकत है इस बार चुनाव के उत्तर प्रदेश के, उसमें यह है कि 2017 में जिस तरीके से मोदी या योगी का जो एक लहर चली थी, वो लहर इस बार नहीं है। लेकिन उस लहर को, न होने वाली लहर को, अखिलेश या मायावती किस तरह से भुना पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि अखिलेश भी अपनी रैलियां कर रहे हैं और अखिलेश जितनी सीटें 17 में पाए थे, उससे ज्यादा जरूर पाएंगे, लेकिन
जो अमित शाह और बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से इनके कार्यकर्ता पूरे 5 साल तक लगातार फील्ड में रहे हैं, आपको बता दें पन्ना प्रमुख इनके यहाँ एक पोस्ट है जिसमें हर 60 वोटर की एक लिस्ट। बिल्कुल, यहाँ पर आलोक लगातार तमाम कार्यकर्ता भी जनता के बीच जा रही है और अपनी पार्टी की यहाँ पर बखान करिए। आलोक बने रहिएगा, रवि भी लगातार हमारे साथ बने हुए सुल्तानपुर से। रवि, आज गृहमंत्री अमित शाह का दौरा है, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है? आपको बता दें कि अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के भाजपाइयों में खासा उत्साह है और ऐतिहासिक रैली बनाने की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए रविवार को डॉक्टर आर्य वर्मा की अगुवाई में आवाज विकास मैदान पर जहां पर ये रैली होनी है, जहां ये जनसभा होनी है, वहां पर भाजपा के पदाधिकारियों ने वहां पर भूमि पूजन किया और उसके बाद उन्होंने यज्ञ में आहुतियां भी डाली है और उनका ये पूरा प्रयास है कि ये रैली और ऐतिहासिक रैली हो और इस रैली में 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावनाएं भी बताई जा रही है। आपको बता दें कि काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संतभक्त सिंह चुन्नू और महामंत्री सुशील त्रिपाठी और साथ ही रैली प्रभारी आशय सिंह बघेल जिस तरह से मुस्तैदी से लगभग एक हफ्ते से यहाँ पे जुटे हुए हैं और प्रदेश मंत्री, भाजपा के प्रदेश मंत्री शंकर गिरी जी हो गए, भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हो गए और इन्होंने पूरी तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगभग एक हफ्ते से यहाँ पर कार्यक्रम का जायजा लिया है। पांचों विधानसभा में इन्होंने जाकर के संगठन के साथ बैठक की है और आज आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सांसद मेनका गांधी भी शामिल होंगी, इसके अलावा और भी आसपास के जिले के जो है बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल रवि, यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। रवि और आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।